सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सत्यम विश्वकर्मा, यू आर वाचिंग सत्यम टेक्नो। सो गाइस, आप ऐसे काफ़ी लोग यूट्यूबर्स होंगे और फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना चाहते होंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, ठीक है, और आपको फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा। डाउनलोड करते भी हैं तो उसमें वाटर मार्क आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, वो भी पीसी के लिए। कोई भी आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी फाइल भी नहीं है। तो अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वीडियो को एंड तक का देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को जरूर से एक लाइक करना। वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो आपका लाइक करने में क्या जाएगा यार, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो स्टडी टाइम आपको इस चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन में या पीसी में कहीं भी डाल के सर्च करिए अफावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर पीसी, ठीक है। इतना डाल के आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने शो होंगी, ठीक है। तो आपको इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करके चले जाना, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको लिखा दिख जाएगा, ठीक है, अफावर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर फ्री डाउनलोड एंड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस वेबसाइट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 मेरे में है, ठीक है, विंडोज़ 7 था तो मैंने पहले विंडोज़ 7 चला था, तो उसमें ये इंस्टॉल नहीं हो रही थी। बाद में मैंने विंडोज़ 7 डराया, ठीक है, तो उसमें ये एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। तो विंडोज़ 7 में ऐप ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 10 रन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास और कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो मैं और ना कोई डाउनलोड की है। इसे मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद मैं अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड करूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद कैसे इसकी सेटिंग करनी है, कैसे वाटरमार्क हटाना है, ठीक है, कैसे हटता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है, MP4 की वीडियोस रिकॉर्ड करती है, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बैक कर देता हूँ सबसे पहले, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी देखने को जानकारियाँ मिल जाएंगी इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा दिखेगा इस ऐप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं सिंपल सा डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दूंगा। इससे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एक बार यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपको लिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर लिया तो अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी MB की है भी नहीं, ठीक है, तो 14 MB की ये ऐप है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बढ़िया एप्लीकेशन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला, ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं दोबारा मैंने क्लिक किया था तो दो दो एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं इस ऐप को, ऐप्स के बारे में, ठीक है। तो पहले तो मैं अनइंस्टॉल करूंगा इस ऐप को, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताता हूं मैं। सो गाइस, चलिए मैं फटाफट मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए मैंने अपना पीसी अपना ओपन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना कट करके यहाँ पे मैंने डाल लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका आइकन होगा, ठीक है, इस तरह ये दिखेगा ऐप, तो ये फोल्डर कुछ इस तरह का होगा। तो इसे हम चलिए क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और ओके नेक्स्ट नेक्स्ट करते आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल ना होने लगे। तो ये इंस्टॉल होने लगा, तो चलिए फाइल में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकन होगा, ठीक है। तो चलिए ये इंस्टॉल होने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा MB की ये ऐप भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश में इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये देखिए आ गया ये वाला, ठीक है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह का ये ओपन होके आएगा आपके सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट मांग रहा है वर्जन, ठीक है, तो इसे मैं अभी अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे मैं नीचे जाने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसे चलिए मैं कट कर देता हूँ फिर से। तो सो गाइस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको
किस पिक्सल में आप डाउनलोड करना चाहते थे, यहाँ पे आपको दिख जाएगी आईफोन कौन सा आपका डिवाइस है, ठीक है। तो जो भी आप उस पर क्लिक करें, ठीक है, आपको फुल स्क्रीन पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हाफ स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर कैमरा चालू करना चाहते तो कैमरा भी चालू कर सकते हैं, और भी यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वो काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप कुछ मत करिएगा, जैसा है वैसे आप रहिएगा, ठीक है। कुछ मत छेड़खानी इसमें कीजिएगा, ठीक है। करना चाहते तो कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने आपको मना नहीं किया, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो MP4 वीडियोस रिकॉर्ड होंगे इस स्क्रीन रिकॉर्डर से, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ कैसे इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा माइक लगाना, नहीं आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, तो चलिए इसे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड्स चलेंगे, ठीक है, 6 सेकेंड्स गो। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, इसे कैसे हटाना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, प्लेस एंड होल्ड करना है बात को, इसको साइड में कर देना, ठीक है। और ये हट चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है, तो यहाँ पे फिर से स्क्रीन लाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, स्टॉप हो गई। फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करनी है, ये चालू हो गई, ठीक है। अब आपको इतना पार्ट कट कर देना है, ठीक है। किसी भी आप जिस सॉफ्टवेयर से आप वीडियो एडिट करते हो, आपको उतना कट करना है। फ्रंट कैमरा चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, ठीक है। और भी के लिए मैं फटाफट मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपको इस तरह क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको किसी को क्रॉप करके बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सेव करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। सो गाइस, ठीक है, ये मेरे, जैसे आप टिक पे क्लिक कर देंगे आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अब ये वीडियो कहाँ से निकालने, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है AP, आप जैसे डाल के सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का होल्डर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, एपिक स्टोर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे, तो आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जितने स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए होंगे आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यार ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक जरूर से लाइक करना यार, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम टाइम आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप यार वीडियो को लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो, करो यार। एक वीडियो को आप लोग को लाइक करने में आपका क्या जाएगा, तो यार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।